जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदित्य राजपूत। जम्मू के आरएसपुरा का रहने वाला 14 साल का बच्चा आज सुबह से जो है वो लापता है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये बच्चा जो है ना तो बोल सकता है और ना तो सुन सकता है, और ये आरएसपुरा से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी यानी कि उदयवाला हॉस्टल में जो है उसे डाला गया था। लगभग एक साल हो गया और उसके माता पिता जो है हमारे साथ है और आज सुबह से ये बच्चा जो है वो लापता है। क्या पूरा वाक्य हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपका बच्चा जो है सुबह से लापता है? उन्हें फोन किया था 8 बजे सुबह, तो फिर हम फिर दोबारा फोन किया हमने उसको, बोलते हुए बच्चा गायब हो गया। मतलब हॉस्टल से आपको कॉल आया था? हाँ जी, मैडम का आया था। तो क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं या फिर पता चला कि बच्चा किसके साथ गया, अकेला गया है या फिर कैसे? एक लड़का और भी है। अच्छा, दो बच्चे हैं। क्या वो दोनों बच्चे जो है वो सुन और बोल नहीं सकते? हाँ जी, हाँ जी, दोनों नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते, उनके माँ बाप आए हुए। तो आप सुबह जब हॉस्टल में गए तो टीचर्स की तरफ से या फिर जो वहाँ पर प्रिंसिपल है या गार्ड है उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो बोलते हैं आपने आदमी भेजे अपने ढूंढने के लिए, तो मिल जाएगा, अभी तक तो मिला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम भी ढूंढ ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा मिसिंग हुआ हो या स्कूल से या हॉस्टल से निकला हो कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हम खुद छोड़ने जाते थे, खुद लेने जाते थे हॉस्टल में, स्कूल से नहीं लेके जाते थे। उन्होंने मना किया था कि स्कूल में नहीं जाना, तो हॉस्टल से लेके जाना, हॉस्टल में छोड़ के जाना, तो हम खुद छोड़ने जाते थे, खुद लेने जाते थे। क्या हॉस्टल में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या जो वहाँ पर गार्ड नहीं है क्या? लगे हुए हैं कैमरे, लगे हुए हैं, पर आज की फुटेज नहीं है उसमें, हम देख के आए हैं, आज की फुटेज नहीं है उसमें। तो मतलब बाकी सारी फुटेज है आज की? हाँ, आज की नहीं है। तो क्या पता, वो बताया नहीं उन्होंने। तो जो उधर, और आपको हम बता दें कि स्कूल का नाम है और जम्मू रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये स्कूल खोला गया है। उदयवाला में ये स्कूल है और हॉस्टल भी स्कूल के अंदर है। हालांकि अगर बात की जाए तो स्कूल दूसरी जगह है और ये हॉस्टल जो है उदयवाला में है। और इस बच्चे की मैं फोटो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस बच्चे की ये फोटो है और ये बच्चा लगभग 14 साल का है, कर्णव इसका नाम है, रहने वाला आरएसपुरा का है और उदयवाला हॉस्टल से जो है ये लापता हुआ है। लगभग आज सुबह से ये हॉस्टल से जो है लापता है और इस बच्चे की मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो है लापता हुआ है और ये बोल और सुन नहीं सकता है। जहां पर भी आपको ये लड़का मिलता है आप कृपया करके हमसे कॉन्टेक्ट करें या फिर इस फैमिली से कॉन्टेक्ट करें। इस फैमिली का नंबर जो है हम आपको कैप्शन में जरूर दे देंगे। और ये बच्चा आरएसपुरा का रहने वाला है। तो अब क्या स्कूल की तरफ से या फिर कंप्लेन वगैरह करवाई आपने कहीं पे पुलिस स्टेशन में? अभी जा रहे हैं। लगभग कितना वक्त हो गया अभी? अभी सुबह 6:30 बजे का हुआ है, देख लो आप कितना टाइम हो गया। मतलब दो बच्चे हुए हैं लापता। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब लोगों से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप, खासकर जम्मू के यहाँ पर जो लोकल्स हैं? क्या लगाएंगे, बच्चे के बारे में, बच्चा मिल जाए हमारा वो ही क्या कर सकते हैं। तो कितने साल से आपने इस जो है डाला हुआ था हॉस्टल में? एक साल हो गया। एक साल में कभी कोई दिक्कत परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं, बताया था कुछ नहीं उसमें। तो क्या आप मिलने के लिए जाते थे, आपको टाइम दिया जाता था मिलने के लिए? हाँ, जाते थे मिलने के लिए। अम्मी ने एक दो बार तो हमको घर में ले आते थे, अभी भी हमने बहुत मंगलवार को छोड़ा उधर, हफ्ता घर में रह के गया था, देखते हैं क्या। चलिए, ये आरएसपुरा की फैमिली है और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है और वो डफ एंड डम है। और आपको हम बता दें कि आज सुबह से वो लापता है हॉस्टल से, कहीं ना कहीं जो है वो लापता हो चुका है। टीचर्स की तरफ से अभी कोई भी सफाई जो है वो नहीं दी जा रही है, गार्ड की तरफ से अभी कोई भी सफाई नहीं दी जा रही है, लेकिन जो अगर बात की जाए हॉस्टल है उनकी तरफ से उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और फैमिली की तरफ से भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको इनकी तस्वीर हमने अपने लाइव में बताई। अगर आप भी, आपको ये लड़का कहीं पर दिखता है, इसका नाम कर्णव है और आरएसपुरा का रहने वाला है, तो आप कृपया करके हॉस्टल में या फिर इनकी फैमिली से जो है वो संपर्क करें ताकि उनका बच्चा जो है उनकी फैमिली तक पहुंच पाए। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तब तक के बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ।